हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजाज इंस्पिरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मौसम कितने मज़े का है। बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था, इसलिए हम सोचा आज बीफ स्टेक बना लेते हैं विद वाइट सॉस। तो आपसे उसकी रेसिपी सोचा शेयर कर लें। चले रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बीफ अंडर कट पीसेस लेने हैं, उसको फिर मीट हैमर से इसको फ्लैट करना है ताकि इसमें अच्छे से मसाला चल जाए। सबसे पहले आपने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। फिर उसके बाद विनेगर डालना है, 2 चम्मच विनेगर डालना है और 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, फिर 2 चम्मच चिली सॉस और फिर चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, चिली अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपने 3-4 घंटे फ्रिज में रख देना है मैरिनेशन के लिए। और फिर उसके बाद बनाने हमने मैश पोटैटोस, उसके लिए बॉइल्ड मैश पोटैटोस चाहिए। फिर उसके बाद पैन में बटर लेना है, बटर जब मेल्ट हो जाए अच्छे से उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। फिर उसके बाद इसमें मैश पोटैटोस डाल देने हैं, उनको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें मिल्क डालना है, उसको भी अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें ब्लैक पेपर डालनी है और साथ सॉल्ट, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारे मैश पोटैटोस रेडी हो गए। फिर उसके बाद हमने बनानी है सैलड। सैलड के लिए बीन्स, ब्रोकली और कैरेट ली है हमने, जो स्टेक के साथ सर्व करेंगे। उसके लिए आपको पैन में बटर डालना है। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये पहले बॉयल हमने इसको कर लिया हुआ है, बॉयल वेजिटेबल्स लेनी है, फिर उसको पैन में डाल देना है बटर के साथ, इसको फिर अच्छे से पकाना है। इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे, सॉल्ट और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये बन जाए। इसको ज़्यादा नहीं बनाना, ज़्यादा रेड नहीं करना। फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे दूसरे पैन में वाइट सॉस, जो कि स्टेक के ऊपर डलेगी। आपने बटर लेना है, ऑयल लेना है, उसको अच्छे से फैला देना है। फिर उसके बाद आपने ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन डालना है सॉस पैन में, उसको भी पकाना है। साथ आपने मैदा डालना है, 2 चम्मच मैदा डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है इन सब चीजों को। फिर उसके बाद इसमें आपने मिल्क डालना है, 1 कप मिल्क डालना है। अगर आपको सॉस तो थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें मिल्क और ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने क्रीम डालनी है, 1 पैकेट ऑफ क्रीम डालनी है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और चम्मच हिलाते जाना है, हिलाते जाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। इसमें हमने ब्लैक पेपर डाली, सॉल्ट और इसको अच्छे से पकाना है और ये हिलाते रहना है स्पून को इसको, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। देखिए हमारी सॉस गाढ़ी हो गई है, ये बन चुकी है। अब हम स्टेक बनाएंगे, ये जो हमने मैरिनेट किया था बीफ। अब हम पैन लेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे और साथ ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल डाला क्योंकि अगर खाली बटर डालेंगे तो वो जल सकता है, इसके साथ ऑयल डालना पड़ता है। अब हम अपने बीफ के पीसेस रखेंगे, इनको पकाएंगे।
अच्छे से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं टेस्टी। दोनों साइड से उसे ग्राइंड करना है। ये अब हमारा स्टेक रेडी हो गया है, तो सर्व करेंगे। बीफ रखे, ये जो स्लाइसेस हैं बीफ के ये रखेंगे स्टेक साथ, वेजिटेबल्स रखेंगे। साथ मैश पोटैटोस। अब हम स्टेक के ऊपर सॉस डालेंगे, जो बनाई थी व्हाइट सॉस हमने। देखिए कितने मजे का लग रहा है, ये आप जरूर ट्राई करना, बहुत मजे का बना था, हमने काफी इंजॉय किया, बिल्कुल बाहर के जैसा बना था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।